सोमवार व्रत नियम। यदि आप भी करते हैं सोमवार का व्रत तो ना करें ये गलतियां, रूठ जाएंगे भगवान शिव। सोमवार व्रत नियम। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का व्रत दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित माना जाता है। इस दिन लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सोमवार का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही भोलेनाथ की कृपा से कष्ट दूर होते हैं। लेकिन सोमवार का व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार सोमवार व्रत के दौरान कुछ गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों के कारण आपको व्रत का शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। ऐसे में चलिए आज जानते हैं सोमवार व्रत के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, फिर घर में या आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए। जला अभिषेक के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें और व्रत कथा अवश्य सुने। सोमवार के व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत में आप फलाहार भी ले सकते हैं। शिव जी की पूजा में ना करें ये गलतियां। भगवान शिव की पूजा में अभिषेक के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे का कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे का पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता। शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाए। आखिर में जल चढ़ाने से ही जला अभिषेक पूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा में चंदन के तिलक का इस्तेमाल करना चाहिए। सोमवार व्रत के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बहता है वहां रुक जाए और वापस घूम जाए। चलिए हम सब मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।